प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इंटरपोल महासभा में बोले पीएम मोदी, आतंक के खिलाफ विश्व को होना होगा एकजुट। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग पर भ्रष्टाचार करने का लगा आरोप, भानु गुट के नेताओं ने लगाया गंभीर आरोप। औरैया में दीपावली त्योहार पर पुलिस अलर्ट मोड पर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कड़े निर्देश। फर्रुखाबाद में क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने मनाई गई जयंती, कई जिलों में जिलाध्यक्ष कार्यक्रम में हुए शामिल। फर्रुखाबाद में CSJM विश्वविद्यालय द्वारा रोजगार मेले का हो रहा है आयोजन, कैंप में युवाओं को बड़ी संख्या में दी जाएगी नौकरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। राजधानी लखनऊ में विश्वेश्वरैया सभागार में पसमंदा मुस्लिम प्रतिनिधि का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रदेश भर में आए पसमंदा समाज के मुसलमानों ने सम्मानित कर उन्हें डिप्टी सीएम ने भाजपा के प्रति विश्वास जताने की बात भी कही। पासमांडा मुस्लिम भाइयों के प्रतिनिधि सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मैं आया। इस कार्यक्रम के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया वो छोटा पड़ गया। उत्साह जबरदस्त है। सपा बसपा कांग्रेस जो पासमांडा मुस्लिमों को बरगला करके छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में केवल वोट लेकर के और उनको भूल जाने का काम करती थी, पाप करती थी, अब उनके पाप की सजा देने की आज से या पासमांडा जो विशेष तौर से पिछड़ा वर्ग का मुस्लिम है हमारा, वह इनको अब सबक सिखाने का काम करेगा। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी जो पासमांडा है वो पिछड़ा है, गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, ऐसे लोगों की किसी ने भी चिंता नहीं की। अगर चिंता की तो इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने की। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है अंत्योदय, माने समाज के बैठे अंतिम व्यक्ति को उठाना है, उसको सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ पहुँचे, उसमें पसमांदा समाज भी है। आपने देखने को मिला होगा अनेक पक्के मकान, जो किसी ने सपना देखा होगा कि हमको कभी लेंटर का मकान, लेंटर की छत मिले, पक्का मकान मिले, उस सपने को साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए पसमांदा समाज 75 वर्षों से जो कुल आबादी का 85% है जनसंख्या, अब वो जागरूक हो गया है, वो अपने हक को मांगने का मांग रहा है। और आपने देखा होगा यूपी में अधिकतर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनको सम्मानित किया है, हमारे मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, चाहे वो उर्दू अकेडमी के चेयरमैन रहे हो, चाहे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हो, सभी पसमांदा समाज को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी आज पसमांदा मुस्लिम सम्मान समारोह में आए थे और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया कि इस सम्मेलन के बाद जो विपक्ष है उसमें भूचाल आ जाएगा। सर, आज के सम्मेलन के बाद कहा जा रहा है कि विपक्ष में भूचाल आ जाएगा, आप क्या कहेंगे इसको लेकर?
आज जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को तरक्की की तरफ मोदी जी और योगी जी ले जा रहे हैं, निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक समाज का एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे मोदी जी योगी जी पे है और इसी तरीके से हम अल्पसंख्यक समाज को सशक्त करने का काम करेंगे। क्या निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज को टिकट दिया जाएगा? 24 की क्या भी हमारा कार्यकर्ता साथी लड़ने के लिए इच्छुक होगा, पार्टी उस पर गंभीरता से विचार करेगी। साफ तौर से हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे और हमारी सरकार लगातार इस पे तत्पर है। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सुप्रीम टीवी लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज डिप्लोमा इंजीनियर ग्रामीण अभियंता अभियंत्रण विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई मांगों को शासन से उसका निदान की बात कही गई। साथ ही इंजीनियर साहब लाल मोहन सोनकर ने कहा कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाएं और अगर नहीं की जाती हैं तो हमारा संगठन प्रदर्शन करता रहेगा। आगे आने वाले दिनों में ये समस्या आएगी, अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एज को अगर एक्सचेंज सिविल बना दिया गया तो आगे जो बिल्डिंग्स या सड़क जो होंगी ये जो खराब होंगी तो वो तो अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे, लेकिन जेई सिविल और एई सिविल जो है वो उसमें क्रश कर दिया जाएगा, क्योंकि वो काम खराब होगा तो उस पर जिम्मेदारी आ जाएगी। तो आगे आने वाली समस्या का हम विरोध करना चाहते हैं, चूंकि उनका अपना अलग कैडर है तो अपने अलग कैडर में जो है वो प्रमोशन लें, हमें कहीं दिक्कत नहीं, जिसके लिए हम प्रयास भी करते रहते हैं। नियम को ताक पे रखा जा रहा है? नियमों को बिल्कुल ताक पे रखा जा रहा है। जब इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की है तो इलेक्ट्रिकल विंग में उनका प्रमोशन किया जाना चाहिए, सिविल में नहीं हो सकता, चूँकि सेपरेट गैलरी का उन्होंने फ़ायदा उठा करके यही बने हैं, तो अब जो है इधर कैसे आ सकते हैं। लखनऊ में डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं उप मुख्यमंत्री बिजस पाठक ने लगातार प्रयास पर का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू और बुखार को लेकर हेल्प डेस्क बनाया गया है। आइए आपको सुनाते हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक RP सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ फीवर क्लिनिक चल रही है, हेल्प डेस्क हमारी अलग है और फीवर क्लिनिक में हमारे एक फिजिशियन, एक रेजिडेंट, पूरा स्टाफ जो है हमारा वो लगातार बुखार के मरीजों को देख रहे हैं और भी फिजिशियन हमारे प्राथमिकता के आधार पर जिसके भी पास बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं उनका ये समुचित निदान या उपचार कर रहे हैं। बाकी जो गंभीर मरीज आ रहे हैं हमारे इमरजेंसी 24 आवर चल रही है और सातों दिन चल रही है, हमारे पास बिस्तर की कमी नहीं है, हमारे पास हमने भरपूर बिस्तर की व्यवस्था कर रखी है और पूरा एडमिशन हो रहा है हमारे यहाँ। देश और प्रदेश में बढ़ते डेंगू को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरे अलर्ट मोड में है। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं और मुख्यमंत्री का आदेश है कि हर जिलों के CMO को निर्देश दिया गया है कि हर एक अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाए गए। साथ ही साथ डीजी हेल्थ लिली सिंह के तरफ से भी निर्देश दिया गया है कि डेंगू से निजात दिलाने के लिए जो तमाम प्रदेश के डॉक्टर हैं वो निजात दिलाने में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अब सरकारी अस्पतालों में फीवर के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है, ये वो डॉक्टर हैं जो डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं उनका क्विक यहां इलाज हो रहा है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द हम डेंगू से निजात पाएंगे, तो यहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां डॉक्टर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ यहां एक पूरी टीम बैठी है कि जो भी डेंगू का पेशेंट आया, सीवियर फीवर का पेशेंट आया, उसे क्विक इलाज किया जा सके। सर हमें यह बताएं कि अगर बात की जाए तो प्रतिदिन कितने पेशेंट आ जा रहे हैं और शुरुआत में उनके साथ कैसे इलाज किया जाए, कैसे हैंडल किया जा रहा है? देखो 100 से ज़्यादा मरीज रैली के हैं, पहले उन्हें काउंटर से ही एक प्रॉपर छोटी सी हिस्ट्री लेकर के ये पूछा था कि भाई फीवर है नहीं है, तो जिनको फीवर होता है उनको स्पेशली जो है कि फीवर क्लिनिक की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि उनका एक जगह सारी मतलब फैसिलिटी जो है उनको प्रोवाइड हो सकें। तो इस यहाँ पर आते हैं, उनका इवेल्युएशन होता है, अगर OPD लायक होते हैं तो OPD से दवा और जाँचें करा करके उनको ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है, अगर लगता है नहीं पेशेंट सीरियस है उसको प्रॉपर भर्ती करके फिर आगे चला इलाज बढ़ाया जाता है उसका। ये होता है। अमूमन देखा जाए तो अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं डॉय फीवर के, तो उसमें से क्या प्रतिशत है डेंगू का? अब डेंगू का प्रतिशत तो ऐसे बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कुछ OPD में आ जाते हैं, कुछ IPD में आते हैं, जब तक हम टोटल इवेल्युएशन अगर सेम डे हो तो हम बता भी पाएँ। अदरवाइज फीवर के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इस समय काफ़ी बढ़ गए हैं, जहाँ पहले 5-10 मरीज आते थे अब वो लगभग 25-30 मरीज करीब फीवर के हो गए हैं। सर डेंगू को कैसे रोक सकते हैं और उसके रोकथाम के लिए क्या क्या चीज़ों को पालन करना होगा? डेंगू रोकथाम के लिए तो मच्छर को ही रोकना है,
उसके ब्रीडिंग पॉइंट्स ख़त्म करने हैं, मच्छर ने काट पाया उसके लिए व्यवस्था करनी है कि फुल स्लीव पहन के दिन में रहें, ठीक है, आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने पाए, यही सब करना है। तो रोकथाम ही मेन चीज़ है, क्योंकि होने के बाद तो इलाज करना एक अलग बात है, लेकिन रोकथाम करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जी बिल्कुल, तो हम लखनऊ के सिविल अस्पताल में थे जहां तैनात डॉक्टर कर्मचारी हमें बता रहे हैं कि साफ तौर से जो मरीज हैं उसमें फीवर की संख्या मिल रही है, और फीवर में से जो प्रतिशत है उस पर कहीं ना कहीं यहां के सीएमएस की तरफ से कहा गया है कि 100 पेशेंट्स में से 18 को डेंगू निकल रहा है। साथ ही आपको बताएं कि इनका साफ तौर से रोकथाम को लेकर कहना है कि मच्छरों से बचे और जो तमाम इंतजाम है मच्छर से बचने को उसका लेकर करें, और साथ ही आस पड़ोस में पानी एकत्रित ना होने दें। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के स्वास्थ्य विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के एक पदाधिकारी की बहन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। आपको बता दें कि स्थानांतरण के संबंध में 5,000 रुपए की मांग की है, जबकि कर्मचारी महिला ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कर्मचारी महिला को फटकार लगाकर भगा दिया। बेसिकली आपकी जो मांगे थी वो एक दो कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर थी, तो उनका अनुमोदन मिल गया है, वो उनको कर दिया जाएगा, और बाकी इनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर कार्य किया जाएगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें प्रक्रियारत होती हैं उसकी वजह से इन्हें ऐसा लगा कि जानबूझ के देरी की जाती है। इनका आरोप ये है कि पैसे लेके कार्य किए जाते हैं। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें सिद्ध भी नहीं हुई है, बाकी इस पे थोड़ा सा संज्ञान लिया जाएगा, अगर ऐसी कोई स्थितियां होंगी तो गंभीरता से लिया जाएगा। आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए आम लोगों को खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लगातार सख्त दिख रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश देने के बाद भी विशेष प्रवर्तन दल का गठन कर जगह जगह छापेमारी की गई। प्रवर्तन दल ने छापेमारी कर मिलावट के संदेह पर सैंपल लिया। आगामी दीपावली और भैया दूज के त्यौहारों को देखते हुए शासन के निर्देश पर 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावना को देखते हुए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है, जिसके क्रम में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और कल 17 तारीख को हमने लगभग 26 दुकानों पर निरीक्षण कराया था। शासन की तरफ से हमें ये एटूल जब फूड सेफ्टी एंड व्हील हमें उपलब्ध कराई गई है, हम लोग इसके द्वारा भी सैंपलिंग का प्रयास करते हैं ताकि आम जनता को ये पता चल सके कि वो जो ये खासकर दुकानदारों के लिए होता है कि वो जान जाएं कि उनके पास जो खाद सामग्री बिक्री के लिए लाए हुए हैं वो उनकी गुणवत्ता क्या है, ताकि वो अवेयर हो जाए, और जहाँ से खाद सामग्री लाते हैं वहाँ से अगर उनसे संतुष्ट नहीं है तो सामग्री वहाँ से न लाएँ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया जनपद के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पत्थरदेवा में 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 477 करोड़ के 233 परियोजना जनता को समर्पित करता हूं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने देवरिया की जनता को धन्यवाद दिया। कार्यगमन करते हुए गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज देवरिया जनपद में 477 करोड़ रुपए की लागत से 233 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं देवरिया जनपद के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना फरुखाबाद इकाई द्वारा मंगलवार को क्षेत्रीय सम्राट महीर भोज प्रतिहार की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्णी सेना प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में इतिहास संरक्षण पर बल देते हुए सामाजिक पृष्ठभूमि को मजबूती प्रदान करने की बात कही। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के दशहरे पर औरैया में कर्णी सैनिकों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने के आंदोलन की चेतावनी दी। कार्यक्रम में मैनपुरी, हरदोई, शाहजहाँपुर, उन्नाव, एटा सहित विभिन्न जनपद के जिला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ शामिल हुए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि जिन क्षत्रिय बंधुओं पर ये मुकदमे लगे हैं उसको अति शीघ्र वापस ले ले, अगर अदरवाइज
अगर करणी सेना औरैया में आएगी तो औरैया की सांसें रोक देगी, औरैया को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस भी वजह से आपने मुकदमे लिए हैं, मैं तो कहता हूँ कि आपने जानबूझकर के मुकदमे लिए हैं। छत्री समाज से आपको जलन है, नफरत है, या जो भी लोग इसके पीछे पड़े हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आप अपने तानाशाही रवैया हटा दें और छत्री समाज के खिलाफ जो आक्रोश, एक भयावह माहौल जो पैदा कर रहे हैं, इसको बंद कर दें। अन्यथा करणी सेना अतिशीघ्र एक प्लानिंग कर रही है, बातचीत कर रही है, कार्यकारिणी में बैठक करने के बाद अतिशीघ्र हम औरैया आएंगे। और अगर प्रशासन को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर दो दिन के अंदर अगर प्रशासन ने मुकदमे वापस नहीं लिए तो करणी सेना उग्र आंदोलन केवल औरैया ही नहीं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करेगी, और जरूरत पड़ेगी तो पूरे प्रदेश के अंदर हम आंदोलन करेंगे। फरुखाबाद में बेवर रोड निसाई स्थित डॉक्टर ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट के चेयरमैन शिवम गुप्ता प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि उनके शिक्षण संस्थान में CSJM विश्वविद्यालय द्वारा रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है, जिसमें विभिन्न कंपनी द्वारा कैंप आयोजित कर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी प्रदान की जाएगी। रायबरेली में दीपावली के त्यौहार को लेकर बाजारों में भारी भीड़ और रौनक का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं जनता की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए जिनके पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार प्रियदर्शी सहित CO सिटी वंदना सिंह ने खुद मोर्चा संभाला। पुलिस अधीक्षक की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त पर देखने को मिली। त्यौहारों का सीजन शुरू हो गया है, दिवाली का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, और उसको देखते हुए जो बाजारों में भीड़ है, सराफों में भीड़ है, उसमें जनता के अंदर सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए इस बात का एहसास है कि पुलिस के आस पास है। हाँ, पैदल गश्त तो प्रतिदिन किया जा रहा है। आज यहाँ इस क्षेत्र के पैदल गश्त में काफ़ी शामिल हुआ, हमारे साथ हमारी टीम भी है, CO सिटी और भगवान सब हैं, और पैदल गश्त करके जो अराजक तत्व हैं उनको भी उनके निगारक की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है, और व्यापारियों से वार्ता भी की जा रही है, और एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें लोगों को इस बात का एहसास रहे कि मार्केट में बिना अंदर बैठे आ करके वो अपना काम कर सकते हैं और कहीं किसी प्रकार की समस्या का सामना। रामपुर में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की नूर महल कॉलोनी का मामला, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि दिन दहाड़े घर के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने 3 लाख की नकदी समेत सोने चांदी और के जेवर पर चोरों ने हाथ साफ किया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।